सीरियल इमली में आर्यन के इजहार से बचेगी इमली की जान। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि इमली आर्यन को चैलेंज करते नजर आती है और कहती है कि अच्छा तो तुम शब्दों में बयां क्यों नहीं कर सकते हो, और देखने को मिलता है कि यहाँ पर इमली उसे सवाल पूछती है और आर्यन भी उसी तरीके से जवाब देना चाहता है लेकिन कहता है कि मैं शब्दों में उलझाना नहीं चाहता हूँ, ना ही कोई ये पहेली है, मैं तुम्हें बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह सकता हूँ, एहसास दिला सकता हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या है, और इमली के करीब जाता है लेकिन इमली शर्मा कर साइड में चली जाती है। और दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि सुंदर ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया होता है अर्पिता के लिए, लेकिन वहाँ पर बड़ी माँ के ताने देते नजर आती कि लो घर में अच्छा खाना तो बना ही देता है मुक्त की रोटियाँ तोड़ने से पहले, और उसे इंसल्ट करते नजर आती है। अर्पिता उसको मुँह तोड़ जवाब देती है, वहीं नर्मदा आती है और वो कहती कि वो यहाँ पर प्रीता टोंट मारती है और कहती कि इमली ने तो उसके पानी के लिए भी नहीं पूछा और हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं। इसके बाद में वो कॉल पे कॉल लगा रहे होते हैं। दूसरी तरफ देखने को मिलता है इमली आर्यन को इस तरह से देखकर अब मौके का फायदा उठाती है। यहाँ पर ज्योति और वो उसे एक पिलर को काट देती है जिसकी वजह से इमली नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन आर्यन उसका हाथ थाम लेता है। तो दूसरी तरफ कॉल पे कॉल आ रहे होते हैं और आर्यन अपने दिमाग में ही बचाने का आइडिया सोच रहा होता है, लेकिन उसकी बैंगल्स की वजह से बैंगल्स हाथ में रह जाती है और इमली उस दलदल में फंस जाती है और आर्यन बिना सोचे समझे उसके अंदर घुस जाता है। घर वालों को सबको टेंशन हो जाती है लेकिन वहाँ पर पहुँच जाती है फिर से ज्योति और कहती है कि आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं अभी कपूर जला कर आता हूँ, नौटंकी करते नजर आती है और साइड में जाकर यहाँ पर कपूर जलाने का और ये सब तमाशा करती है। और नीला और प्रीता से पूछती है कि आखिर करके क्या है, तो कहती है अब आखिरी सांसें चल रही होगी उसकी। और ऐसा देखने को मिलता है कि आर्यन यहाँ पर दलदल में से इमली को निकाल कर बाहर लेकर आता है लेकिन उसे बिल्कुल भी होश नहीं आया और इमली बेहोशी पड़ी होती है और इमली को होश में लाने की आर्यन कोशिश कर रहा होता है, पूरी तरह से उसके लिए रो रहा होता है, भावों में उसे लेकर इजहार करते नजर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, शब्दों में बताना चाहता हूँ, वो जो उसे फील करवाना चाहता था वो उसे शब्दों में बयां करने वाला कर रहा होता है। इमली को यहाँ देखने को मिलेगा होश नहीं आता और आर्यन पूरी तरह से घबरा जाता है और देखने को मिलता है कि रोते हुए ही वो इमली को आई लव यू कह रहा होता है। और इतनी देर में इमली आंखें खोलेगी और उसके बाद में दोनों यहाँ पर पहुँचेंगे एक दूसरे बंगलों में जहाँ पर दोनों ही रात गुजारते नजर आएंगे और फ्लॉप हो जाएगी प्रीता की सारी ही प्लानिंग।